आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है प्रूव दैट एवरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स ए कोनिक। या इसी को दूसरा तरीका है पूछने का कि फाइंड द कंडीशन अंडर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो विल रिप्रेजेंट ए पैराबोला एन एलिप्स और ए हाइपरबोला। समझ गए? कहने का मतलब है कोनिक का मतलब आपका क्या हो गया? कोनिक का मतलब हो गया सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन किस कंडीशन पे किसको रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों को दिखाना है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करने से पहले कुछ जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है जो मैं करने जा रहा हूँ। यदि आपको याद है तो ठीक, और यदि आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना चाहिए। यदि आप याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं। देखिए ये आपका जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इधर आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। बल्कि एक्स डैश वाई डैश छोड़िए ना, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। समझ गए? एक्स डैश वाई डैश को आप क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए, ठीक। और यहां पर एक पॉइंट, ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ये पॉइंट क्या है पी एक्स वाई। और क्या किए कि इस एक्सिस को हम लोग रोटेट कर दिए। समझ गए? इस एक्सिस को क्या किए, रोटेट कर दिए। लेकिन रोटेट करने पे एक चीज विशेष ध्यान में रखे कि ओरिजिन उसका वही है। इस प्रकार से रोटेट कर दिए, एक्स को थोड़ा रोटेट करके यहां पर लेते आए तो ऑब्वियस बात है वाई भी आपका रोटेट हो जाएगा। समझ गए? और ये जो आपका न्यू बना, ये भाई साहब एक्स डैश और आपका हो गया वाई। और इसको हम लोग रोटेट किए किस एंगल से, तो सपोज कि हम लोग रोटेट कर दिए अल्फा एंगल। समझ गए? किस एंगल से हम लोग रोटेट किए, इसको हम लोग रोटेट कर दिए अल्फा एंगल से। और इस एंगल, इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश। समझ गए? सेम पॉइंट, पॉइंट आपका वही है। और ये पॉइंट जो है कि पहले आपका ओरिजिनल एक्सिस के करस्पोंडिंग इसका नाम था एक्स वाई, और अभी जो हम लोग रोटेट किए हैं इसके करस्पोंडिंग इसका नाम हो गया एक्स डैश वाई डैश। और हम लोगों को एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में एक रिलेशन को डेवलप करना है। आइए डेवलप करते हैं। क्या कीजिए कि एक यहां से इस पे लंब डाल दीजिए, सपोज कि ये एम हो गया, तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा एक्स, और पी एम बराबर कितना हो जाएगा वाई। समझ गए? और अब जो है कि एक यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, सपोज कि ये भाई साहब एन। समझ गए? एन है तो अब बताइए तो कि ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन किसके बराबर, ये आपका एक्स डैश के बराबर हो जाएगा, और पी पी एन किसके बराबर हो जाएगा, पी एन आपका हो जाएगा वाई डैश के बराबर। समझ गए? किसके बराबर हो जाएगा, वाई डैश के बराबर। एक यहां पर और एक यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। हाँ नाम दे दीजिए पी है ना, तो इसका नाम दे दीजिए क्यू और इसका नाम दे दीजिए आर, ठीक है। और देखिए जब ये एंगल आपका अल्फा है, जब ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, अल्फा वाला, ठीक। अब देखिए इन ट्रेंगल ओ एन आर, इन ट्रेंगल ओ एन आर में कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा ओ आर बटे ओ एन, ये हो जाएगा ओ आर बटे ओ एन। एन
साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एन आर बटे ओएन, ये हो जाएगा एन आर बटे ओएन। और देखिए तो कॉस अल्फा इक्वल टू ओ आर तो नहीं मालूम है, लेकिन ओ एन हमको मालूम है एक्स डैश के बराबर है, एक्स डैश। और यहाँ पे साइन अल्फा बराबर एन आर तो नहीं मालूम है, लेकिन ओ एन किसके बराबर है, एक्स डैश के बराबर, समझ गए, ये एक्स डैश के बराबर है। तो इस प्रकार से देखिए, यहां से ओ आर आपका क्या मिल गया, ओ आर मिल गया एक्स डैश कॉस अल्फा, और एन आर आपको मिल गया एक्स डैश साइन, ठीक है, इसको आप नोट करके रखिए। और फिर हम लोग ट्रेंगल लेते हैं पी क्यू एन में, इन ट्रेंगल पी क्यू एन, इसमें कॉस अल्फा क्या मिलेगा और आपका साइन अल्फा क्या मिलेगा, तो कॉस अल्फा बेस यानी कि क्यू एन बाय आपका कितना हो जाएगा पी एन, ये आपका हो जाएगा क्यू एन बाय पी एन, और साइन अल्फा हो जाएगा, नहीं नहीं गलत कर रहे हैं ना, बेस तो आपका ये हुआ ना, बेस पी क्यू हो गया ना, ये आपका पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बाय पी एन, बेस कितना है पी क्यू और पी एन, और साइन अल्फा आपका कितना हो जाएगा, ये क्यू एन बटे कितना हो जाएगा पी एन। तो कॉस अल्फा इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू तो नहीं मालूम है, और पी एन देखिए तो पी एन, पी एन पी एन मालूम है ना किसके बराबर है, वाई डैश, ये आपका पी क्यू बाय वाई डैश, और आपका साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया क्यू एन, तो नहीं मालूम है क्यू एन, लेकिन पी एन आपका वाई डैश हो गया, यानी कि पी क्यू इक्वल टू वाई डैश कॉस अल्फा, और क्यू एन इक्वल टू हो गया वाई डैश और साइन अल्फा। चलिए वेरी गुड, इतना हम लोग लिख लिए। और अब देखिए तो क्या कीजिए, अब आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर, x किसके बराबर है OM, OM है, n y बराबर कितना है, तो y आपका है PN, y की जगह पे आप ले लीजिए PN, तो x बराबर OM, तो OM को आप लिख सकते हैं OR माइनस MR, है या नहीं, OR माइनस MR, तो ये आपका OR माइनस MR हो गया, और y इक्वल टू PM है, PM इसको आप PQ प्लस QM लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं PQ प्लस QM लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू OR, OR देखिए आप यहाँ पे निकाल चुके हैं x डैश cos अल्फा, x डैश cos अल्फा माइनस MR, तो MR आपका किसके बराबर है QN के बराबर, यहाँ पर आप लिख लीजिए QN, y इक्वल टू PQ, PQ जो है PQ हम लोग निकाल चुके हैं y डैश cos अल्फा, y डैश cos अल्फा, समझ गए कितना हो गया ये y डैश cos अल्फा, और QM, QM हम लोगों को नहीं मालूम है, तो QM के जगह पे RN लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं RN, क्या लिख सकते हैं RN या NR कर दीजिए, NR कर दीजिए, ठीक। तो x इक्वल टू हो गया x डैश cos अल्फा माइनस QN, और QN का मतलब आपका हो गया y डैश sin अल्फा, n y इक्वल टू आपका y डैश cos अल्फा प्लस nr, और nr आपका है x डैश, x डैश sin अल्फा, यानी कि यदि आप एक्सिस को अल्फा से रोटेट कर देते हैं, अल्फा से रोटेट कर देते हैं, तो आपका यदि इस कोऑर्डिनेट को x डैश y डैश आप मान लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा, और यदि इसको आप x y ही मानते हैं, यदि इस एक्सिस के कोरेस्पोंडिंग यदि आप इसको x y ही मान लेते हैं, इन केस आप x y मान लेते हैं, तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा से, और y किससे रिप्लेस हो जाएगा y cos अल्फा प्लस x sin अल्फा से। अभी हम लोग क्या किए, सिर्फ दिखाने के लिए x y को हम लोग x dash y dash मान लिए थे, लेकिन जब इस थ्योरी को प्रूफ करेंगे उसमें इसका दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, बल्कि x के जगह पे हम लोग ये वाला लिख देंगे, x डैश के जगह पे x ही लिखेंगे, y डैश के जगह पे y, और इस चीज को आपको याद रखना चाहिए,
यदि इस थ्योरी को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो, नहीं तो फिर इतना आपको बेवजह का सॉल्व करना पड़ेगा और टाइम आपका लिमिटेड है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग मेन थ्योरम को सिद्ध करते हैं। तो एक्चुअली में थ्योरी का प्रूफ यहां से शुरू होगा, आपको भी यहीं से लिखना चाहिए। लिखेंगे लेट सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज गिवन बाय। सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपका कैसे दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस इक्वल टू जीरो। याद रहे एग्जाम में आपका ये वाला फॉर्मेट कम ही देता है, आपको यही फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा और आपको इस इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्या कीजिए, तो इसका नाम आप दे दीजिए एक नंबर। और अब क्या कीजिए कि ये जो इक्वेशन है इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, अब उसको आप थीटा एंगल से रोटेट कीजिए। लिखिएगा लेट रोटेट दी कोऑर्डिनेट एक्सेस बाय एन एंगल थीटा कीपिंग ओरिजिन इज फिक्स्ड। यानी कि ओरिजिन को फिक्स रहते हुए जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई एक्सिस, उसके उसको हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कर दिए। तो रोटेट किए तो अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि x को किससे रिप्लेस करेंगे, y को किससे रिप्लेस करेंगे। लिखिएगा सो रिप्लेस x एंड y बाय। अब देखिए तो x वाला केस क्या था, x बराबर कितना था, एक्सडेस के जगह बोले थे कि वहां पर तो हम नाम चेंज किया था ना एक्सडेस और वाइडेस, यहां पर तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सडेस के जगह पे एक्स ही बोलिएगा, एक्स कॉस अल्फा, बल्कि अल्फा के जगह थीटा हो जाएगा क्योंकि हम थीटा लिए है, माइनस वाई साइन थीटा, इसको एक्स से रिप्लेस करना है, एंड आपका हो जाएगा एक्स एक्स अरे बोलिए ना जी क्या x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ये वाला नहीं है, अरे उल्टा सीधा उससे क्या है, तो यही चीज ना है ना, ये चीज ठीक। यानी कि x को रिप्लेस कर देना है x cos थीटा माइनस y sin थीटा से, और y को रिप्लेस करना है x sin थीटा प्लस y cos थीटा से इन वन। तो क्या होगा, One implies A, X के जगह पे क्या लिखिएगा, X cos थीटा माइनस Y sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2H, X के जगह पे X cos थीटा माइनस Y sin थीटा, Y के जगह पे X sin थीटा प्लस Y cos थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, एक्स के जगह पे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस टू एफ वाई, वाई के जगह पे एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा और प्लस सी इक्वल टू जीरो। समझ गए, इस प्रकार से आप रिप्लेस कीजिएगा। अब आप इसको तोड़िए, तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज ए
ये स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2xy cos थीटा sin थीटा प्लस 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो xy cos स्क्वायर थीटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, फिर नीचे देखिए प्लस बी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ये आपका हो गया 2g, समझ गए 2gx cos थीटा माइनस y sin थीटा प्लस 2f x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस c इक्वल टू 0, समझ गए। इस प्रकार से आपका आया क्वेश्चन का प्रूफ बढ़ा जाएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब देखिए आप क्या कीजिए कि x स्क्वायर को ले लीजिए बाजू में, x स्क्वायर को बाजू में ले लीजिए, कहां कहां से आएगा देखिए, तो एक आपका यहां से आएगा a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर यहां से आ जाएगा 2x sin थीटा cos थीटा प्लस में आएगा प्लस 2x sin थीटा cos थीटा, फिर जो है यहां से आएगा b sin स्क्वायर थीटा प्लस में प्लस हो गया b sin स्क्वायर थीटा ठीक, प्लस xy xy आप ले लीजिए कॉमन, समझ गए xy आप ले लीजिए कॉमन, xy कॉमन ले लीजिएगा, एक यहां से आएगा माइनस 2a cos थीटा sin थीटा माइनस 2a cos थीटा sin थीटा xy, फिर यहां से आएगा 2h cos स्क्वायर थीटा प्लस में प्लस में 2h cos स्क्वायर थीटा, फिर यहां से आपका आएगा माइनस में 2h sin स्क्वायर थीटा, माइनस में आएगा समझ गए, माइनस में कितना आएगा 2h sin स्क्वायर थीटा, और फिर आपका यहां पर आएगा 2b sin थीटा cos थीटा प्लस में प्लस में 2b sin थीटा cos थीटा प्लस y स्क्वायर, समझ गए प्लस y स्क्वायर, यहां से a sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर माइनस माइनस 2h माइनस 2h sin थीटा cos थीटा y स्क्वायर लिया है कॉमन, फिर यहां से b cos स्क्वायर थीटा, अभी और है ना, कितना हो जाएगा प्लस में b cos स्क्वायर थीटा, अब नहीं है, अब नहीं है, और इसको आप जैसे क्या तैसा रख दीजिए प्लस 2g x cos थीटा माइनस y sin थीटा प्लस 2f x sin थीटा प्लस y cos थीटा और प्लस c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0 ठीक है। अब इसमें आप थीटा को इस प्रकार से चूज कीजिए ताकि xy का जो टर्म है xy का जो कोफिशिएंट है वो आपका 0 के बराबर आ जाए। लेट अस चूज थीटा इन
सच ए वे डेट इसका कोफिशियंट कितना है, इसका कोफिशियंट है माइनस टू ए कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टू एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एच साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसका नाम आप दो नंबर ऊपर दे दीजिए, समझ गए। तो देखिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन टू थीटा के बराबर होता है, और प्लस यहां से आप टू एच कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो कितना हो गया, माइनस ए साइन टू थीटा प्लस टू एच, ये कॉस टू थीटा के बराबर होता है, और प्लस बी साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, कितना हो गया। आप क्या कीजिए, तो आप इस प्रकार से कीजिए, आप जो है ना इस प्रकार से कीजिए कि साइन टू थीटा कॉमन, तो कितना हो गया b माइनस ए, और इसको उस तरह भेज दीजिए माइनस टू एच और कॉस कितना हो गया टू थीटा, ठीक, माइनस टू एच कॉस कितना हो गया टू थीटा, और इस कॉस टू थीटा इधर आप ले दिया, देखिए तो क्या मिलेगा, तो साइन टू थीटा बटे में कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस टू एच बटे में कितना b माइनस ए, बटे में आपका हो गया b माइनस ए, और ये टेन टू थीटा हो गया ना, तो टेन टू थीटा बराबर माइनस ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, टू एच बाय कितना हो गया a माइनस बी, टू एच बाय a माइनस बी, यानी कि इसके जीरो होने से टेन टू थीटा बराबर आपका हो गया टू एच बाय a माइनस बी। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, तो टू इंप्लाइज बोलिए तो क्या होगा, टू इंप्लाइज लिखवाइए तो कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू एच साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वाई वाले को तो आप जीरो कर दिया ना, जब इसको जीरो किए तो खत्म हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एच साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से क्या कीजिए, देखिए यहां से और यहां से आप x को कॉमन ले लीजिए, समझ गए, क्या कॉमन ले लीजिए x को, तो दो तो है ही, समझ गए, दो तो है ही 2x, और क्या बचा बोलिए तो, एक बचेगा g cos थीटा, g cos थीटा, और वहां से हाँ f sin थीटा प्लस कितना हो जाएगा f sin थीटा, और फिर जो है आप ले लीजिए इस जगह से और इस जगह से आप y को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 2y 2y कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा माइनस g sin थीटा और फिर प्लस हो जाएगा f cos थीटा, हाँ या नहीं, और प्लस कितना हो गया c, अब कहाँ प्लस होगा 2x के बगल में, यहाँ पर आपका प्लस, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इंप्लाइज इस पूरे को हम मान लेते हैं a,
ए एक्स स्क्वायर, इस पूरे को मान लेते हैं बी, बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, यानी इस पूरे को कैपिटल जी मान लिए, प्लस टू एफ वाई, इस पूरे को कैपिटल एफ मान लिए, प्लस सी इक्वल टू जीरो। वेयर वेयर ए इक्वल टू कितना है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू एच साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। b इक्वल टू कितना है, a साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एच साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, और g बराबर आपका है g कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा, और f इक्वल टू आपका है माइनस g साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा। समझ गए, इतना आपका हो गया। और अब जो है कि इधर आपको फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए तो अब क्या हो गया, अब जो है देखिए फिर आपका ये सेकेंड डिग्री में इक्वेशन हो गया है। अब यहां पर केस लिखिए, केस वन, व्हेन ए इक्वल टू बी, जब ए और बी आपका बराबर हो जाएगा, समझ गए, जब ए और बी यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जब आपका इक्वल हो जाएगा तो यह रिप्रेजेंट करेगा सर्किल। इसका नाम दे दीजिए, आप दो तक लिए था ना, इसका नाम तीन दे दीजिए। When a equal to b, यानी कि जब x square का coefficient और y square का coefficient जब equal हो जाए, तो क्या represent करेगा? Circle को। Then, then three represents circle। ठीक। अब आप लीजिए next case। केस टू आपको किसी भी हालत में कोनिक दिखाना है। करने का मतलब है आपको क्या दिखाना है, या तो सर्किल हो या पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन, ये सब का सब कोनिक में आता है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ए और बी आपस में बराबर नहीं हो तब क्या कीजिएगा, तब देखिए ऐसा कीजिए कि तब जो है ना थ्री इंप्लाइज देखे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लीजिए, कहां कहां से ए अभी कॉमन मत लीजिए, अभी आप क्या कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, एक्स वाले को एक साथ लिख लीजिए, फिर आपका बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई एक साथ लिख लीजिए, ये दोनों हो गया प्लस कितना सी, और C को आप भेज दीजिए उस तरफ, C को भेजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस C, यहां से A कॉमन ले लीजिए, तो X स्क्वायर प्लस टू G बाय A इनटू X प्लस B कॉमन ले लीजिए, तो Y स्क्वायर प्लस टू F बाय B Y इक्वल टू माइनस C, और अब इसको आप बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आपका कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ या नहीं, और जब प्लस बी स्क्वायर दिए हैं तो माइनस बी स्क्वायर आपको देना पड़ेगा, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एफ स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी। देखिए तो क्या मिल गया, ए, ये आपका हो गया एक्स प्लस जी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू जी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस एफ बाय बी का होल स्क्वायर और माइनस बी इंटू एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी।
तो देखिए तो क्या मिल गया, ए एक्स प्लस जी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस एक्स बाय बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, तो जी स्क्वायर बाय ए प्लस एफ स्क्वायर बाय बी माइनस सी हो गया, समझ गया, माइनस सी, ठीक है। और इसको आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए इक्वल टू के से, इसको मान लेते हैं कि क्या आपका हो गया के, जब के हो गया अब इसको नीचे की तरफ लाइए, हाँ इम्प्लाइज अभी के मत मानिए, अभी जो है ना आप इसको इतना रहने दीजिए, ठीक है, हम बाद में के मानेंगे, अभी क्या कीजिए कि अब जो है ना कि इसको ट्रांसफर कर दीजिए, अब जो है ना कि ओरिजिन को ट्रांसफर कर दीजिए माइनस जी बाय ए और माइनस एफ बाय बी पर, ठीक, ट्रांसफरिंग ओरिजिन, ट्रांसफरिंग ओरिजिन टू माइनस जी बाय ए माइनस एफ बाय बी, ओरिजिन को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं किस सेंटर पे, किसको, तो माइनस जी बाय ए माइनस एफ बाय बी, then the above equation becomes, then the above equations becomes क्या बन जाएगा, a x square plus b y square equal to, क्योंकि इसको transfer कर दिया minus g by a minus f by b पे, तो ये दोनों portion आपका खत्म हो जाएगा, equal to h square by a प्लस एफ स्क्वायर बाय बी इक्वल टू सी, ठीक है। देखिए अब क्या कीजिए कि ये आपको इतना बन गया, अब इसको मान लीजिए कि के सी, इसको मान लिया तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ए एक्स स्क्वायर बाय के प्लस बी वाई स्क्वायर बाय के इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, वन। और इस चीज को आप हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय के बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय के बाय बी इक्वल टू वन, और इसको आप मान लीजिए, समझ गए, इसको आप क्या मान लीजिएगा, देखिए एक अभी तक कहा तीन तक माने हैं ना, तीन तक माने हैं, तो इसको आप मान लीजिए फोर्थ नंबर, तीन तक माने हैं ना, और इसको आप क्या कीजिए फाइव नंबर मान लीजिए, समझ गए, उसको हम लोग क्या किए फाइव मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए व्हेन, व्हेन के बाय ए इज ग्रेटर देन जीरो और के बाय बी इज ग्रेटर देन जीरो, जब ये दोनों आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ये इलिप्स होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स, देन फाइव विल रिप्रेजेंट एन इलिप्स, समझ गए, इस केस में आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स। फिर देखिए वेयर, हाँ वन ऑफ के बाय ए और k by b is positive and one is negative, यदि इसमें से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव हो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, then आपका 5 रिप्रेजेंट हाइपरबोला, समझ गए, क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, व्हेन के बाय ए इज लेस देन जीरो के बाय बी इज लेस देन जीरो देन फाइव विल रिप्रेजेंट, जब दोनों नेगेटिव होगा तब आपका इमेजिनरी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, देन फाइव विल रिप्रेजेंट इमेजिनरी इलिप्स,
ये आपका इमेजिनरी इलिप्स बताएगा। और नोट कीजिए, इसको जगह तो है नहीं, नोट कीजिए और फिर मिटाकर आपको बता दें। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर गलती से एच स्क्वायर और यहाँ पर एच स्क्वायर हो गया था, जबकि ये जी होगा, इस चीज को आप सुधार लीजिए। देखिए, जब आपका जो है कितना केस ले लिए, 1 2 3, when k equal to 0 then 4 implies, जरा 4 नंबर बताइएगा तो इक्वेशन क्या था, 4 नंबर बताइएगा तो क्या था, क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, जो उसको के माने थे ना, इक्वल टू के, यानी कि बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स स्क्वायर हो गया, समझ गए। और ऐसे केस में, ऐसे केस में ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हिच रिप्रेजेंट, व्हिच रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। केस टू हुआ था, केस थ्री, when a or b will be zero and let a equal to zero, a और b में से कोई एक जीरो हो तब। अभी देखे, सबसे पहले a is not equal to b दिखा है, नहीं, सबसे पहले a equal to b, फिर a is not equal to b, और अब लेते हैं a और b में से कोई एक जीरो हो जाए, और हम मान लेते हैं कि ए आपका जीरो है। क्या मान लेते हैं, ए आपका जीरो है, देन, हाँ, देन फोर इंप्लाइज, देन फोर इंप्लाइज, समझ गए, देन फोर इंप्लाइज, बोलिए तो फोर क्या था, फोर आपका क्या था, ए तो खत्म हो गया ना, ए तो जीरो मान लिया ना, बोले बी वाई स्क्वायर, हाँ, नहीं ना, उसके पहले के, के को के से के नहीं मानना है, के को छोड़ कर बोलना है, क्या है, बराबर कितना, जी स्क्वायर बाय ए प्लस, नहीं नहीं नहीं, इसके पहले आप सुनिए, इसके पहले जो है एक इक्वेशन था, वो उसके पहले देखिए, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस टू कैपिटल जी एक्स, वो वाला इक्वेशन बोलिए, तीन नंबर है वो, हाँ, तीन नंबर बोलिए आप, कितना है बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर पूरे बोलिए आप, हाँ, बी वाई स्क्वायर सिर्फ सिर्फ ए वाले को छोड़कर, हाँ, प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही ना है। अब देखिए, इसको बी स्क्वायर से आप बी से भाग दे दीजिए, तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, बी से भाग देने पर वाई स्क्वायर प्लस टू जी बाय बी एक्स प्लस टू एफ वाई बाय बी प्लस बी बाय बी इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। और अब देखें तो आपका क्या हो जाएगा, इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस वाई वाले को एक साथ रख लीजिए तो कितना आ जाएगा, टू एफ वाई बाय बी एक साथ हो गया। अब जो है, अब जो बचा उसको एक साथ ले लीजिए, क्या क्या बचा, टू जी बाय बी एक्स प्लस सी बाय बी इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, इक्वल टू आपका जीरो। इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस टू वाई एफ बाय बी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर,
माइनस एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2g बाय बी एक्स सी बाय बी इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वल टू आपका हो गया 0, ठीक। और देखें तो क्या हो गया, y प्लस एफ बाय बी का होल स्क्वायर और प्लस प्लस जो है आपका कितना हो गया, ये तो बाहर आ जाएगा ना, 2g बाय बी एक्स माइनस एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और प्लस कितना सी बाय बी इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वल टू आपका कितना हो गया 0, हाँ या नहीं, इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक। और अब देखिए तो क्या करना है, अब आप सबसे पहले जो है हम लोग इधर मिटाते, उस तरफ मिटा कर फिर लिखते हैं। देखिए अब क्या करना है, तो आपका क्या हो गया बोले तो y प्लस एफ बाय बी का होल स्क्वायर प्लस x को अकेला रखिए, x के बगल में जो है उसको बाजू में ले लीजिए, क्या है 2g बाय बी, 2g बाय बी और x तो बाजू में लीजिएगा, जहां पर है वहां तो रहेगा और नहीं है तो क्या हो जाएगा बटे, तो जैसे माइनस एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया ना, तो इसको पलटी मार दीजिए, कितना बी बाय 2g प्लस सी बाय बी और कितना हो जाएगा बी बाय 2g, हाँ या नहीं, इक्वल टू 0, इक्वल टू आपका हो गया 0। और यह जो आपका एक जो यह b बच गया, यह जो एक b बच गया, अब दोनों तरफ आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय b, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो b y प्लस f बाय b का होल स्क्वायर प्लस 2g, ये तो b आपका खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा x माइनस, यहां पर देखिएगा तो एफ स्क्वायर बी बी खत्म, आपका नीचे 2gb और प्लस यहां से बी बी खत्म सी बाय 2g इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वल टू 0। अब जो है ना कि ऑरिजिन को ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफरिंग ऑरिजिन, ट्रांसफरिंग ऑरिजिन टू, जो भी आपका x और y के बगल में है उसको माइनस साइन से रिप्लेस कर दीजिए, और याद रहे पहले आपको x के बारे में लिखना है, x के बगल में जो है इसको माइनस साइन कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि f स्क्वायर बाय 2gb माइनस c बाय 2g, और फिर जो है यहां पर कैसे रिप्लेस कीजिएगा, माइनस f बाय b, माइनस f बाय b, समझ गए, आप ओरिजिन को यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए, देन दी एवर इक्वेशन बिकम कितना बन जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस 2g और इस पूरे के जगह पर सिर्फ आपका कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0, कहने का मतलब है बी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gx और आपका y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2g बाय bx, y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2g बाय b, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है पैराबोला, व्हिच रिप्रेजेंट ए पैराबोला, व्हिच रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। तो देखिए हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट कर दिए, सबसे पहले रिप्रेजेंट सर्किल किए, फिर इलिप्स, हाइपरबोला, अभी एक स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, यही तो कोनिक है, यानी कि सेकेंड डिग्री से हम लोग सब कुछ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिखिएगा सो। अब जो है ना सीधे क्वेश्चन को उतार दीजिए, बोले क्वेश्चन क्या था, लिखिएगा सो, पढ़िए एवरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोनिक,
समझिए, और इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।